हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग क्लास टेन की जो एन सी आर टी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर फाइव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सॉल्व करेंगे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी द ग्रेटेस्ट एंगल इज लीस्ट फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो ए पी में है ठीक है और साथ में हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उनमें से वो सबसे छोटा जो एंगल है उसका ट्वाइस है ठीक है तो फर्स्टली तो हमें एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के जो भी तीन एंगल्स हैं वो क्या हैं ए पी में हैं तो हमने मान लिया कि लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर ए माइनस टी ए एंड ए प्लस डी ठीक है ये तीनों एंगल्स हैं अब क्योंकि तीनों का एंगल क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 180 डिग्री की मिलेगी माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे थ्री ए इज़ इक्ल टू वन एट्टी डिग्री हमें मिला इट मीन्स ए इज़ इक्ल टू वन एट्टी डिग्री अपॉन थ्री मीन्स सिक्सटी डिग्री मीन्स एक एंगल की वैल्यू मिडल एंगल की वैल्यू जो है वो हमारी सिक्सटी डिग्री निकल आई है ठीक है अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है ए प्लस डी वाला है तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो लीस्ट का ट्वाइस है लीस्ट एंगल कौन सा है ए माइनस डी है ठीक है इसका ट्वाइस है ग्रेटस्ट एंगल ठीक है अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ए प्लस टी इज इक्वल टू टू ए माइनस टू डी चाहे तो हम यहाँ पे वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं अभी ए की तो पहले हमने इसको सॉल्व इसको सॉल्व कर लेते हैं देन वैल्यू पुट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हो गया टू ए माइनस टू डी ठीक है तो माइनस टू डी को इधर ले आते हैं ए प्लस टू डी इज इक्वल टू टू ए माइनस ए ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी थ्री डी इज इक्वल टू टू ए माइनस ए किया तो वैल्यू आ गई ए की सो दिस इम्प्लाइज दैट कि थ्री डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं सिक्सटी डिग्री हो गया ओके okay, तो इट मीन्स डी की वैल्यू हमें क्या मिली सिक्सटी डिग्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है ट्वेंटी डिग्री का है ओके okay, तो यहाँ पे हम ए माइनस डी की वैल्यू निकाल लें तो सिक्सटी डिग्री माइनस ट्वेंटी डिग्री इज़ इक्वल टू फोर्टी डिग्री ओके एंड ए प्लस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सिक्सटी डिग्री प्लस ट्वेंटी डिग्री करेंगे क्योंकि ए प्लस डी की वैल्यू है ठीक है जो सबसे बड़ा वाला एंगल है ग्रेटेस्ट एंगल है तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली एट्टी डिग्री ठीक है तो यानी कि तीनों एंगल्स क्या कौन से हैं फर्स्ट एंगल है फोर्टी डिग्री सेकेंड इज़ सिक्सटी डिग्री एंड द थर्ड वन इज़ एट्टी डिग्री सो ये हो गया आंसर ना क्वेश्चन नंबर फोटीन इज इफ द एन्थ टर्म ऑफ द टू ए पीज नाइन सेवन फाइव एंड सो ऑन एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन एंड सो ऑन आर द सेम फाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो फाइन दैट टर्म हमसे क्या कहा गया है कि टू ए पीज़ हैं फर्स्ट ए पी ये वाली है नाइन सेवन फाइव एंड दूसरी ए पी है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन वाली ठीक है इनके जो एंथ टर्म है वो क्या है सेम है ठीक है एंथ नंबर पे जो टर्म आ रहा है दैट इज़ सेम तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि वो किस नंबर का टर्म है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में ही वो टर्म भी फाइंड आउट करना है मीन्स उसकी वैल्यू क्या है किस नंबर का टर्म है एंड उसकी वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है तो हमें पता है कि ए एन इज़ इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ठीक है अब यहाँ पे हमें टू ए पीज़ गिवेन है तो फर्स्ट ए पी में ये जो हमारे पास में फर्स्ट ए पी है ये हमें क्या गिवन है नाइन सेवन फाइव एंड ऑन ठीक है और जो हमें सेकेंड ए पी है वो क्या है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन एटीन एंड सोवन ठीक है इस केस में ए वन क्या है फर्स्ट नंबर क्या है नाइन है एंड डी की वैल्यू क्या है फ़ाइव माइनस सेवन हम करके निकाल लेते हैं ठीक है या सेवन माइनस नाइन करके निकाल लेते हैं ठीक है कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स कोई भी कंजीक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस ले लेते हैं तो डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू की निकली है ओके okay, अब इस केस में हम लोग ए वन डैश मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो टर्म है ए वन डैश मान लिया हमने तो दिस इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर ओके एंड इस केस में यहाँ पे डी की या मैंने डी डैश मान लिया क्योंकि ये यह यहाँ पे डी है तो हमने इसको डी डैश मान लिया तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फोर करके दिस इज़ इक्वल टू माइनस थ्री अब इस केस में एंथ वाला टर्म क्या हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है ए की वैल्यू क्या है नाइन है प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस टू एंड इस केस में एंथ टर्म क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही एंथ टर्म सेम है इसलिए हमने ए एन इसका भी लिया ए एन इसका भी लिया ओके यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है ट्वेंटी फोर प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री की ओके okay, अब क्योंकि दोनों की एंथ टर्म सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी नाइन और माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस टू एन प्लस टू दिस इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं ट्वेंटी फोर माइनस थ्री अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एन और यहाँ पर माइनस थ्री इन टू माइनस वन करेंगे तो प्लस थ्री की वैल्यू आ रही है ठीक है तो इट मीन्स माइनस टू एन प्लस इलेवन इज़ इक्वल टू माइनस थ्री एन प्लस ट्वेंटी सेवेन ओके तो माइनस टू एन प्लस थ्री एन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस इलेवन तो एन की वैल्यू हमें क्या मिली है सिक्सटीन मिली है मीन्स वो किस नंबर का टर्म है सिक्सटीन सिक्सटींथ नंबर का टर्म है ठीक है ना अब हमें एन्थ वाला टर्म निकालना है ठीक है कि वो टर्म है कौन सा तो अब हम क्योंकि दोनों के ही एंथ टर्म सेम है है ना तो चाहे हम सिक्सटीन की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करें या हम सिक्सटीन की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करें टर्म हमें सेम मिलेगा यानी कि नंबर वो हमें सेम ही मिलेगा ठीक है तो हम इस वाले इक्वेशन में सिक्सटीन की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं तो क्या आएगी नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन प्लस फिफ्टीन इंटू माइनस टू इट मीन्स नाइन माइनस थर्टी तो वैल्यू हमें क्या मिली माइनस ट्वेंटी वन की मिली सो so, वो टर्म कौन सा है माइनस ट्वेंटी वन है अब चाहे तो यहाँ पे आप सिक्सटीन की वैल्यू जो है इस वाले क्वेश्चन में भी पुट करके एक बार देख सकते हैं कि क्या नंबर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है हालांकि यहाँ तक कि हमारा सोल्यूशन हो चुका है कम्प्लीट ठीक है फिर भी हम लोग चलो एक बार चेक कर लेते हैं ओके okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन माइनस वन किया तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री कर रहे हैं तो ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी फाइव किया तो अगेन हमें माइनस ट्वेंटी वन ही वैल्यू मिल रही है ओके इट मीन्स ये करेक्ट है ओके okay, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा एन इज़ इक्वल टू सिक्सटीन एंड ए एन इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन सो दिस इज आर आंसर आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन बाय बाय